हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जनरल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जनरल कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो सबसे छोटी से छोटा कोऑर्डिनेट हम लेते हैं किसी भी कंप्लीट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसे कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए, और वो कंप्लीटली उसको डिफाइन कर देता है। ओके, जैसे हम कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम कम यूज में कोई भी ऐसा कम से कम काम में हमारा ये कम्प्लीटली सिस्टम हमारा डिफाइन हो जाए। ओके, ऐसे ही जैसे कहीं मुझे जाना है, सपोज ये मेरा प्लेस है, ये मेरा प्लेस है। ओके, मैं इस रास्ते से भी होके जा सकता हूँ, इस रास्ते, सपोज तीन रास्ते मेरे पास, ये रास्ता, ये रास्ता और ये भी रास्ता है। तो हम ऐसा कौन सा रास्ता यूज करेंगे जिससे मुझे कम मेहनत भी करनी पड़े, कम मेरा टाइम भी लगे, तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को, कोई भी हमारा पार्टिकल है अगर किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मतलब कैसे बताना कि इसका क्या पोजीशन है, क्या टाइम ले रहा है, क्या मोशन करने में टाइम ले रहा है, तो उसको बताने में सबसे कम जो वेरिएबल हम यूज करें, सपोज टाइम, जैसे एक्स है हमारे पास, एक्स वाई जेड, कोई भी कंप्लीटली सिस्टम डिफाइन करेगा, सपोज कोई भी ऐसे बॉडी है, इसके पास तीन होंगे एक्स वाई जेड, सपोज है इसके पास। ओके, ये तीनों वेरिएबल हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ओके, तो ऐसे छोटे से छोटा हम ऐसा वेरिएबल लें जो इस सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर दे। जैसे क्या पता मैं एक्स ही लूं, इसमें मेरा कंप्लीटली सिस्टम डिफाइन हो जाए। ओके, जैसे हम कार्टेशियन लेते हैं, तो हमेशा यही थोड़ी है कि कार्टेशियन हमारा ऐसा यूजफुल होगा। ओके, तो कभी कभी होता है मोस्ट कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, हर जगह वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कार्टेशियन को यूज कर पाए। ओके, तो हम बात करते हैं जनरल कोऑर्डिनेट की। तो समझ में आ गया दोस्तों कि जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जो कंप्लीटली सिस्टम को डिफाइन करता है। ओके, एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी तक तो हमने देखा था कि जैसे सबसे छोटे से छोटा जो हमारा वेरिएबल है उसको लेते हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से बता दे उसके बारे में हर चीज, टाइम, मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, जो भी है हमारे पास, पोजीशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, किधर जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में आना चाहता है, तो और चलते चलते कितनी डायरेक्शन में एनर्जी वेस्ट करेगा, लूज करेगा, फिर गेन करेगा, जितना भी है वो कम से कम तरीके से वो हम गेन कर सके, बता सके, रिप्रेजेंट कर सके कहीं पे। जैसे मेरे को बताना है कि इस पार्टिकल की तुम बताओ यहाँ पे अच्छे से सबकी सब चीज क्या क्या है, तो क्या पता एक ही चीज में बता दो कि ये सारा है मेरा। ओके, तो मतलब कम से कम तरीके से हम बता सके। और क्या बोल रहा है कि मतलब कोई भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जैसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए कोई भी ऐसा सेट रोल ले रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट का कोई भी सेट है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने कोई भी सेट ले रहे हैं, व्हिच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन, एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम बोल सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेट। ओके, और क्या बोल रहा है, वी विल सबटाइम्स समटाइम्स टू इंट्रोड्यूस नॉट ऑल कोऑर्डिनेट, मतलब कभी कभी होता है कि जैसे कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, मतलब एक पार्टिकल लिया मैंने, उसके कभी कभी हो नहीं पाता, जैसे कभी कभी होता है कि ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड है, कभी कभी होता है कि मतलब हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वी विल समटाइम्स टू इंट्रोड्यूस नॉट ऑल कोऑर्डिनेट, ये जो हमारा एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है, मतलब कभी कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने यहाँ पे फिक्स कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ से मैं इसको फिक्स नहीं कर पाऊँ, यहाँ से नहीं कर पाऊँ, यहाँ से नहीं कर पाऊँ, मतलब पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक फिक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसको मैं अच्छे से दिखा सकूं। ओके, तो सिस्टम, बट सम ऑफ देम मे बी सिलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू ओरिजिन। ओके, सपोज यहाँ पे मेरे को दिखाना था, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा ओरिजिन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो कुछ तरीके से ये हो पा रहा है, लेकिन पहले जो हमने लिया था नया ओरिजिन उसके रिस्पेक्ट में ये नहीं हो पा रहा था। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहां पे हमारा जनरल कोऑर्डिनेट अप्लाई हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो था पूरा सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, ये जो हमारा पार्टिकल था यहां पर हमारा ओरिजिन था, इसको सिस्टम पूरे डिफाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो नया ओरिजिन है इसको ये अच्छे से डिफाइन कर दे रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं वहां पर जनरल कोऑर्डिनेट है। आगे देखते हैं, फॉर अ रिजिड बॉडी वी नीड थ्री सर्कटिंग इन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ओके, सपोज यहां पे प्रेजेंट है, तो इस पे तीन कोऑर्डिनेट लगेंगे, थ्री डायमेंशनल होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था
कोई भी पार्टिकल होगा तो उसके पास थ्री डायमेंशन ऑब्वियस सी बात होना ही होना है। तो इसके पास थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सपोज यहां से एक्स वाई जेड मैं डिनोट कर दिया, ओके। टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, यहां पे जो सेंटर है मास का वो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ओरिजिन, सपोज यहां पे कोई ओरिजिन है विद रिस्पेक्ट, यहां इसके रिस्पेक्ट में वो ओरिजिन है, तो एंड थ्री एंगल कोऑर्डिनेट्स, क्या पता इसके यहां पे कुछ एंगल दूसरा बना, इसके यहां पे कुछ एंगल दूसरा बना, इसके यहां पे विद रिस्पेक्ट टू थ्री एंगल कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू एंगल एट द सेंटर ऑफ मास, मतलब जो ओरिजिन है यहां पे ये जो एंगल बन रहे हैं यहां पे इसके रिस्पेक्ट में तो बन रहा है, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू एंगल सॉरी ओरिजिन एंड एट द सेंटर ऑफ मास, दस द जनरलाइज कोऑर्डिनेट शुड ऑल बी चूजेन द कन्वेंशनल ऑर्थोगोनल पोजीशन। यहां पे जो हमारा है r phi थीटा जो भी एंगल बना रहा है उसकी जो भी क्या बोलते हैं जो उसकी पोजीशन बताएगा उसके ऑर्थोगोनल पोजीशन बोलेंगे, ओके। एंड ऑल में बिकम बी एंगल कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्थोगोनल पोजीशन बोल सकते हैं या फिर एंगल कोऑर्डिनेट, ये जो एंगल बताता है वो एंगल बोल सकते हैं, phi थीटा साई कुछ भी एंगल बना सकता हूं मैं, तो उसको ये एंगल कोऑर्डिनेट बोलता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मतलब जो सिस्टम को इजीली डिफाइन कर सके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहां पे बोल सकते हैं, ओके। तो मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे एंगल के टर्म में भी होता है, डिस्टेंस के भी टर्म में हो सकता है, ओके। तो ये है हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब इसका एग्जांपल है, उसको कंडीशंस भी देख लेते हैं क्या कहां पे हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज होता है। तो ये है अब हमारा कंडीशंस क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे हमारा जनरल कोऑर्डिनेट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि जनरल कोऑर्डिनेट ऐसा ही होना चाहिए या फिर इस रिस्पेक्ट में इसके इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि जनरल कोऑर्डिनेट हमारा सही है कि नहीं। तो देखते हैं थ्री प्रिंसिपल टू चूज जनरल कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं जिससे हम बता सकते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम चूज कर सकते हैं, ओके। तो देयर वैल्यूज डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम, पहला प्रिंसिपल क्या बता रहा है, जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वही हो सकता है, ऐसा ही चूज कर सकते हैं जो सिस्टम को बता सके कि ये सिस्टम इसी के बारे में है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं मेरे पास कुछ प्लेन सपोज रिजिड बॉडी या फिर कोई भी पार्टिकल दूसरा है लेकिन वो किसी दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, जो मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं उससे रिलेटेड अनरिलेटेड है, तो फिर ये जनरल कोऑर्डिनेट सही नहीं हो पाएगा। तो हमारी ये वाली सिस्टम ये जो प्रिंसिपल है ये वेरीफाई नहीं हो पाएगी, तो हमारे बोल ही नहीं सकते हम कि हमारा जनरल कोऑर्डिनेट है वो नहीं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो नहीं हो सकता, ओके। हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, ओके। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कोई भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, उस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस भी सिस्टम का होना चाहिए उसको डिफाइन करना ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा दे मस्ट बी वेरीड आर्बिट्रेली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब सपोज मैंने दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिए हैं तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सपोज ये अगर मेरे पास कुछ दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये दूसरा है तो ये वाला इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ओके। सपोज मेरे पास एक्स है और ये वाई, ये इस पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, ये इस पे नहीं, ठीक है। ये वैरी करे तो अपनी तरफ से अपने तरीके से वैरी कर रहे हैं, ये वैरी करे तो अपने तरीके से, ओके, आर्बिट्रेरली वैरी कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट। तो विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब उसका जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो ये होता है कि जैसे उसको ऑर्बिट्रेली रिस्ट्रिक्ट करता है कि तुम्हें ऑर्बिट्रेली नहीं मैनर में मोशन करना है, लेकिन यही है कि मतलब विदाउट वेरिएटिंग द कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, तो मतलब ऑर्बिट्रेली मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इस पे कोई कांस्टेंट नहीं लग रहा है, ओके, ना कांस्टेंट इस पे लगेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड, देयर इज नो यूनिकनेस इन द चॉइस ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट, मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिकनेस नहीं है कि इसे ही मुझे लेना है। सपोज मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहां पे x लिया था, मैं उसके लिए इंडिपेंडेंट रूप में x ले सकता हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं किसी पे, मुझे कोई नहीं बताएगा तुम्हें x ही लेना है, ओके। मैं x लूं, y लूं, कुछ भी लूं, बस मेरे को सिस्टम डिफाइन करना है, मेरे को ये पहली कंडीशन वेरीफाई करनी है, दूसरी कंडीशन वेरीफाई करनी है, और ये तो कर ही रहा हूं, इसी को तो मैं कर रहा हूं, ओके। तो मेरे को ऐसा लूंगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ओके, बस वो कुछ भी हो सकता है, बस मेरे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एंड देन आवर चॉइस शुड बी फॉलो ऑन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट विल गिव अ रीजनेबल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हैं या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस मैंने ली ली कि ये जैसे एक्स है मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो मैं ऐसा लूंगा कि उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सके मैथमेटिकल टर्म में भी, वो अच्छे से सिंप्लीफाई कर सके, जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है उसको अच्छे से बता सके, यही हो सकता है। तो
should be follow the set, मतलब जो भी हमारा सेट लूंगा मैं कोऑर्डिनेट का, उसमें फॉल करना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए, ना कि उससे अनरिलेटेड होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम नोटेशन. ये था हमारा तीन प्रिंसिपल हो गए, मतलब जैसे बताया गया कि कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना चाहिए, फिर आर्बिट्रेली मोशन आर्बिट्रेली मूव करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे के, फिर जो हम लेंगे वो यूनिकनेस होना चाहिए कि मतलब मेरे पास ही वो, इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट हमारा कैसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को नोट करते हैं, कैसे नोटेशन उसको देते हैं, कब से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो नोटेशन फॉर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर डिजाइंड बाय लेटर क्यू. जैसे किसी भी सिस्टम का मुझे अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको लेटर क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या क्यू बी आर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ओके, एंड विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूमेरिकल्स, सपोज मेरे पास क्यू है तो ये तो पूरा जनरल हो गया कि क्यू एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर मेरे पास कई कोऑर्डिनेट हो उसी कोऑर्डिनेट में, उसी अगर सिस्टम में कई सारे कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3 4, तो मैं कैसे बताऊंगा मेरे पास क्यू 1 क्यू 2 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो उसके अंदर सारे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सेम होंगे, लेकिन वो उनकी बस वेरी मतलब उनको बताएंगे कि वो एक दूसरे से बस किस तरीके से डिफरेंट है, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, लेकिन उनका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो लेटर होगा वो लेटर क्यू तो सेम ही रहेगा. ओके, 1 2 3 बस ये डिफाइन करेगा तुम्हें Q1 इधर चले जाओ, Q1 2 तुम्हारा ये पोर्शन है, Q1 3 तुम्हारा ये एरिया है. ओके, तो ये बस डिफाइन करने के लिए Q1 Q2 एंड रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. तो वो n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसी भी पार्टिकल में जैसे होंगे किसी भी सिस्टम में. ओके, तो जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे उस सिस्टम में, तो Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे n तक, मतलब n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है. ओके, जैसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को Q1, Q2, Q3 ऐसे Qn तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने Q ले लिया, हम इसको हमें तो पता है बस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को Q से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड देन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Qj, J इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या हो सकता है Q1 Q2 Q3, मतलब सेम टू सेम वही है. ओके, बस इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसको सब्स्टिट्यूट क्यू बोल देते हैं और J इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, अब देखते हैं व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, अगर पार्टिकल प्लेन में मूव करता है तो हमारे पास अब हमें तुरंत आईडी लगा लेना चाहिए उसके बाद कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. ओके, तो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. ओके, तो हमारा क्या हो सकता है, सपोज मैं दो ही प्लेन की बात करता हूँ, सपोज मैं एक्स और वाई की बस बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सपोज मेरे पास एक्स और वाई है, ठीक है, और मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या था, सपोज Q1 इज इक्वल टू मैंने एक्स दे दिया. ओके, एंड Q2 इज इक्वल टू वाई, तो ये था कार्टेशियन में हो गया. ओके, लेकिन अगर मुझे इसे पोलर में डिफाइन करना है, पोलर में अगर चेंज करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स हो गया, y हो गया ये, और ये x हो गया. ओके, तो ये तो हमारा एक्स वाई हो गया. ओके, सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे है, ओके, सपोज मेरे पास पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे है, कुछ पार्टिकल है, ठीक है, सपोज मैंने इसकी डिस्टेंस r रख दी. ओके, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज ये वाला वाई वाला पोर्सन हो गया, ये वाला एक्स वाला पोर्सन, ठीक है, तो ये एक्स ये वाई, तो r इज इक्वल टू मुझे बताना है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये था हमारा कार्टेशियन ना, तो अगर Q1 इज इक्वल टू ऐसा हो सकता है, जैसे r इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो सकता है यहां पे x2 + y2 हो सकता है. ओके, और अब भाई अगर थीटा की बात करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है हमारा y / x होता है, स्लोप निकाल सकते हैं, तो यहां से एंगल बता सकते हैं, तो वो हमारा पोलर में हो जाता है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y / x. ओके, तो ये हमारा कैसे मैंने कार्टेशियन जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट था उसको मैंने पोलर में कैसे चेंज किया, ये था इजीली हम समझ सकते हैं. तो ये था हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हमारी क्या क्या कंडीशंस होती है. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. Thanks for watching.